सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापस आने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहायशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे, जहां तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीन बनाने की हिदायत आपको आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो कि कुछ अरसे से पेशावर में मुकीम थे, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद वापस आएंगे और इस सिलसिले में ज़राए का ये बताना है कि वो आज ही पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहायशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे और आज एक अहम कोर कमेटी का इजलास भी इमरान खान ने तलब कर रखा है और वो उस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा जबकि मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर भी मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इस पर भी गौर होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। वो तमाम ही मेंबरान जो कि कोर कमेटी का हिस्सा हैं, उन्हें हाजिरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। इमरान खान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं जो आज पेशावर से इस्लामाबाद अपनी रिहायशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।